हाय गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का रेसिपी है फिश फ्राई और फिश करी। देखिए कैसे बनाए हैं, दो रेसिपी एक साथ दे रहे हैं, फ्राई का भी और ग्रेवी का भी। सबसे पहले फिश को अच्छा साफ करके उसको ले लीजिए। ये वाला फिश फ्राई करेंगे और वो वाला चूड़ा वाला है उसको ग्रेवी में बनाएंगे। उसका मसाला देख लीजिए फ्राई का, और क्या बोलते कैसे फ्राई कर रहे हैं। ये सब जो डेली का मसाला है वो है, और इसमें सरसों का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये सूजी का, सूजी इसको रेवा बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं उसको थोड़ा ये करके हमें उसका पेस्ट बना लिया है। अच्छा, थोड़ा देर पहले इसको फूलने दे दीजिए, वो अपने पेस्ट बन जाएगा। वो सब मिक्स करके वो रेवा डालने से है ना, वो सूजी उससे है ना कुरकुरा बनता है। देखिए सबको हम अच्छा से मिक्स कर रहे हैं, हाथ से जो जिससे आप करना करिए, हमको हाथ से अच्छा लगता है मिक्स करना, इसीलिए हम इसको हाथ से मिक्स कर रहे हैं। इसको अच्छा हाथ से मिक्स कर देना है। जिसमें फ्राई करना है उसमें ज़्यादा मसाला लगाना है, वो उससे क्या बोलते हैं एकदम ये वाला बनेगा, क्रिस्पी बनेगा, देख रहे हैं। जिससे उसमें अच्छा से मसाला कोटिंग करना है, ये इसे हम फ्राई के लिए कर रहे हैं, ये फ्राई के लिए करने हैं। उधर कढ़ाई डाल दिए हैं बंद कर, उस पर उसमें तेल गर्म होने वाली है, तेल से भी डालना है, तो वो ऑयल डाल दिए हैं। अब उसमें आप क्या बोलते हैं गर्म हो गया है, अच्छा फिर उसमें डाल देंगे फ्राई वाला फिश डालेंगे, जो फ्राई करके जो खाएंगे वो ग्रेवी के लिए वो दिखाते हैं आपको आगे। देखिए इसको एकदम क्रिस्पी करके ही इसको फ्राई करना है, एकदम क्रिस्पी हो जाएगा तो इसको थोड़ा फ्राई करना है। इसी तरह फ्राई करना है, इसी तरह जैसे इस तरफ खुशी हो जाए कलर देना है, इसको ये करके थोड़ा फ्राई कर देना है। देखें पैसे में पहले इसको अच्छा से क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। दिखाता है ये हमको इसमें कम मसाला डालना है, क्योंकि ग्रेवी में डल जाएगा, इसीलिए इसमें कम मसाला लगाना है। इसको भी अच्छा से फ्राई करना है, लेकिन इतना क्रिस्पी नहीं करना है इसको। ये चूड़ा वाला पीस है, ये क्या बोलते हैं इसको है ना फ्राई भी करना है, लेकिन मसाला इसमें कम लगाना, दम लंबा ये करना है, फ्राई मसाला कम देना है। देखिए जो हम खाने के लिए फ्राई फ्राई मछली के फ्राई के लिए वो देखिए कितना हमको सही करके देखते हैं, देखिए कितना ये हो रहा है, इतना क्रिस्पी हो गया है। इसको आप जैसे उससे खा सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हमको ग्रेवी नहीं बनाना है, तरह ग्रेवी बनाना है देखा दिए। इसको इसी फ्राई के लिए, इसको सिर्फ खाने के लिए भी फ्राई किए हैं, इसको आप जो चीज़ डाल के उसको खाइए अच्छा रहता है। ये दिखा दीजिए फ्राई वाला मछली फ्राई हो गया ये। अब ग्रेवी के बाकी सब हम फ्राई कर लिए थे, ग्रेवी के लिए वही कढ़ाई में वो ये जीरा और हरा सूखा मिर्ची डाल दिए हैं, ये पक जाएगा उसके बाद प्याज डाल देंगे। सॉरी कहा कि हम क्या बोलते हैं शाम का समय था, इसीलिए क्या बोलते हैं कैमरा थोड़ा सा कैप्चर अच्छा से नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। प्याज डाल दिए, ये देखिए डेली का मसाला है जो दम देते हैं, और ये मेन मसाला है इसमें, ये इसमें ज़्यादा मेन मसाला होता है अदरक लहसुन का पेस्ट और सरसों, ये पीला सरसों है उसका पेस्ट देना बहुत ज़रूरी था, वो पेस्ट दीजिएगा बहुत टेस्टी होगा। प्याज मेरा पक चुका है, अब पहले सबसे पहले सरसों और अदरक का पेस्ट को हम दे के इसको जब तक इसमें तेल नहीं छोड़े तब तक इसको भूनना है। इसमें डाल के जब तक ये तेल छोड़ देगा तब तक इस दोनों पेस्ट को अच्छा से भूनना है, कैसे करके मिक्स करके पूरा अच्छा से भूनना है। जब तेल नहीं छोड़े जब तेल छोड़ देगा तब इसमें क्या बोलते बाकी मसाला है डेली वाला वो मसाला डाल देना है, और उसके बाद इसमें जितना ग्रेवी चाहिए उसमें उसको हिसाब से उसमें पानी आप डाल दीजिएगा, अच्छे के लिए ग्रीट हो गया सॉरी। और उसके बाद देखिए हमें पाँच चावल खुलने लगा था इसका ग्रेवी, तब जैसे मूरी वाला पात था मूरा वाला पात वो पहले डाल दिए हैं आप बाकी देख रहे हैं, और उसके बाद जो बाकी पीस बचा हुआ है वो पीस हम इसमें डाल देंगे। देखिए सब पीस हम डाल रहे हैं, तीन से चार मिनट में ही खोल अच्छा से खोल जाएगा, ये एकदम ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब फिश फ्राई और ये दोनों एक साथ सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, एकदम टेस्टी रहता है।
देखिए मेरा बन के तैयार हो चुका है फिश ग्रेवी, हमको इसी तरह चाहिए था वो। आप खाइए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए इसी में दिखा दिए हम आपको, अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत टेस्टी बनता है, सरसों और लहसुन का पेस्ट इसमें दिया जाता है, बहुत टेस्टी बनता है, खाइए आप लोग ये बना के। और अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये शाम के समय बनाए थे इसीलिए सॉरी कहे कि वो एक 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 क्लिप डिलीट हो गया था, इसका कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया, जितना कैप्चर कर पाया वो हम दिखा दिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बना खाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।